क्योंकि ये जो जमीन की मूवमेंट है ये बॉडी को खींचती है, इससे मसल्स ग्रोथ करते हैं। अगर हम इस रोटेशन के ऑपोजिट सोएंगे तो मेरे भाइयों पट्टे लूज हो जाएंगे, मसल ढीले पड़ जाएंगे, हड्डियां कमजोर होंगी। अल्लाह सुबहान व तआला हमें ताकत देना चाहते हैं, हमें कवि करना चाहते हैं, हमें मजबूत करना चाहते हैं। इसीलिए प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक तरीके में बेशुमार अनगिनत अनकाउंटेबल बेनिफिट्स को छुपा दिया। आज जरूरत इस अमर की थी कि हम इस्लाम से प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से अपनी बीमारियों का इलाज जानते, मगर हमने क्या किया? सच बताओ, हम में से कितने हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से अपने इन प्रॉब्लम को, अपने इन बीमारियों को सॉल्व करना चाहते हैं? क्योंकि हमने समझा इस्लाम सिर्फ मस्जिद की चार दीवारी का नाम है, नमाज पढ़ना, रोजे रखना, हज करना, जकात देना, जिहाद करना, ये दीन है। मेरे भाइयों, दीन जिंदगी गुजारने का तरीका है, सबसे बेहतरीन वे ऑफ लाइफ है, कोड ऑफ लाइफ है, पैथ ऑफ लाइफ है। प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात के सबसे अजीम इंसान है, जिनके एक एक तरीके में अनगिनत अनगिनत फवाइद हैं, एक एक तरीके में मुसलमानों के लिए हिकमतें मसलतें पोशीदा हैं।